समझ में नहीं आता इसको क्या कहा जाए कि अगर कोई बच्चे इस तरह का स्टेप ले रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अच्छा वो कूदे तो वो नेट पे गिरे तो बच जाए, वो अगर पंखे से लटकता है तो पंखा नीचे आ जाए तो बच जाए। हम जो रूट कॉज है उस पे ध्यान नहीं देना चाहते। अजब स्कूल है ये जिंदगी का जहां उस्ताद का भी इम्तिहान हो। और ये लिखा है सैयद सरोश आसिफ जी ने, कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे उस्ताद, हमको हर इल्म सिखाते हैं हमारे उस्ताद, तोड़ देते हैं जहालत के अंधेरों का तिलिस्म, तोड़ देते हैं जहालत के अंधेरों का तिलिस्म, इल्म की शम जलाते हैं हमारे उस्ताद। शागिर्द जब उस्ताद से अच्छा शेर कहने लगे, उस्ताद की खुशी का फिर ठिकाना नहीं रहता। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा। लास्ट वीक मैंने एक ब्लॉग आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल है टीचर्स डे स्पेशल, रिकग्नाइजिंग एजुकेटर्स एज ह्यूमंस नॉट डाइटीज। ब्लॉग को लिखने के पीछे जो रीज़न था वो एक तो यही था कि हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, एक बार फिर से याद किया जाए क्या वो वजह थी जिस वजह से ये प्रथा या ये जो डे है इस डे को हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया था। और उसके अलावा पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ ऐसा हमें देखने सुनने में आया, ऐसा न्यूज़ में आया जिससे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि क्या हमारा समाज वाकई में बच्चों को वो एजुकेशन दे रहा है जिसके वो हकदार हैं। हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, और क्या हम टीचर्स को ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहां वो अपना बेस्ट दे सकें और एक फ्यूचर जनरेशन जो कि प्रोग्रेसिव हो या फिर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज के साथ आगे बढ़े, साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके चले, ऐसी जनरेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी टीच हम अपने टीचर्स को ऐसा एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहाँ वो ऐसा कर सकें। तो उसके पीछे ये ब्लॉग था। ब्लॉग अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो रिसेंटली हुए अराउंड टीचिंग उसके बारे में है कि टीचर्स कैसे ट्रीट कर रहे हैं बच्चों को। कुछ न्यूज़ हैं जो आप लोगों ने भी देखी सुनी होंगी जो कि बहुत दिल दहला देने वाली न्यूज़ अगर आप कहें वैसी न्यूज़ थी, जिनमें टीचर्स बच्चों को एक कम्यूनल एंगल से या तो सज़ा दे रहे हैं या फिर कोई और एक्शन ले रहे हैं। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये दो दो जगह हुआ लगातार 2 दिनों में। इसके अलावा हमने अनअकैडमी वाला एक इशू देखा जहाँ पे टीचर ने एक स्टेटमेंट दी और उसके पीछे काफ़ी शोर शराबा हुआ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए, तो वो भी इशू हुए। और उस इन सब के बीच कोटा जो कि राजस्थान में एक एजुकेशन हब है, एक सिटी है, वहाँ पे एक ही दिन में 2 बच्चों ने सुसाइड किया। और ये जो सुसाइड था ये कोई ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का या कोई वन ऑफ केस हो। इस साल में अब तक तकरीबन 23 2023 में 23 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी जाने गंवा दी हैं प्रेशर में आके। प्रेशर कैसा है ये आप सब जानते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब पढ़ रहे हैं उसके बारे में। और ये कुछ अब हाल की घटना नहीं है, ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। और कमाल की बात यह है कि उसको टैकल करने के लिए अभी तक कुछ कंस्ट्रक्टिव किया नहीं गया है किसी भी तरफ से। तो और जो दो जो स्टेप लिए गए रिसेंटली वो ऐसा था कि जैसे मतलब उनके बारे में क्या बोलें, वो समझ में नहीं आता वो स्टेप थे या वो मजाक था। जैसे उसमें एक जो स्टेप लिया गया वो ये था कि जो पंखे होते हैं सीलिंग फैंस हैं उनमें स्प्रिंग, वो स्प्रिंग लोडेड हों ताकि कोई अगर सुसाइड करने की कोशिश करे तो वो फेल हो जाए उसमें और वो नीचे आ जाए फैन। और दूसरा बट हुआ ये कि उसके बाद एक बच्चे ने 6th फ्लोर से जंप करके अपनी जान दे दी। मेडिकल स्टूडेंट था वो या मेडिकल की तैयारी कर रहा था। तो उसके बाद फिर न्यूज़ जो आई कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा या वहाँ के पीजी और जो इंस्टीट्यूशंस हैं हॉस्टल्स हैं वहाँ पे ये कहा गया कि आप उन्होंने नेट जो है सेफ्टी नेट इंस्टॉल कर लिए ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट होता है
जंप करने वाला, तो उसको रोका जा सके। तो हम ये मतलब समझ में नहीं आता इसको क्या कहा जाए कि अगर कोई बच्चे इस तरह का स्टेप ले रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि अच्छा वो कूदे तो वो नेट पे गिरे तो बच जाए, वो अगर पंखे से लटकता है तो पंखा नीचे आ जाए तो बच जाए। हम जो रूट कॉज है उस पे ध्यान नहीं देना चाहते, जबकि जो एक्सपर्ट हैं वो काफ़ी टाइम से बोले जा रहे हैं कि देखिए 14-15 साल की उम्र है, उसमें बहुत प्रेशर होता है और बच्चे वैसा प्रेशर नहीं ले सकते। तो उस एज लिमिट को मतलब एक एज लिमिट फिक्स करनी होगी कि इससे कम है तो कोटा में प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे ना जाएं, या फिर एक कुछ इस तरह का से कुछ ऐसा कुछ किया जाए जिससे जो 9th 10th में या उससे भी पहले बच्चे चले जाते हैं, मतलब 9th क्लास से या मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए 4 साल 5 साल देने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के बच्चे जा रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, और क्या सक्सेस रेट है, कितनी सीट्स हैं, उससे क्या प्रेशर है, वो अलग ही चीज़ है। बट सबसे पहला स्टेप ये है कि क्या वो उस एज में वैसा प्रेशर झेलने के लायक भी हैं। तो एक सजेशन ये है कि एक एज बार होनी चाहिए, एक एज मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए एडमिशन के लिए। और उसके अलावा भी जो एनवायरनमेंट होता है, किस तरह का प्रेशर टीचर्स डालते हैं पढ़ाते वक्त, या कितने टीचर्स उनको प्रेशर लेस करते हैं कि नहीं उसको आप इजीली लीजिए पढ़ाई को, इतना कोई प्रेशर मत लीजिए, कैसा एनवायरनमेंट है। और जैसा कि मतलब मैंने अपने ब्लॉग में भी ये लिखा कोटा फैक्ट्री के बारे में कि हम उसको फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं उस जगह को, तो एजुकेशन को हम कहाँ से कहाँ ले आए हैं जस्ट बिकॉज पिछले कुछ दशकों में मैं कहूँगा कि हमने एजुकेशन को एक बिजनेस मॉडल बना के रख दिया एजुकेशन का। तो वो जैसे हम एक हेल्थ को भी हमने बिजनेस मॉडल बना रखा है, और जब बिजनेस कोई एंगल आ जाता है उसका सोल पर्पस यही होता है कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, तो वहाँ पे सब कुछ उसी एंगल पे होता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसका कोई यूज़ नहीं है। जबकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो कि प्रॉफिट के एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए, कि ये वेलफेयर या फिर एक सोशल नीड है हमारी कंट्री की या फिर सोसाइटी की। जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जाएंगे, लिटरेसी बढ़ती जाएगी, जो और समस्याएं होती हैं XYZ वो अपने आप कम होती जाएंगी। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ देखें तो वहाँ पे मतलब रातों रात सुधार नहीं आया था, उन्होंने भी काफ़ी कुछ झेला, उसके बाद जाके आज वो स्टेटस है, और वहाँ भी अपने चैलेंजेस हैं। तो कंपैरिजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे अपने चैलेंजेस हैं, बट ऐसी हालत नहीं है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज प्रिपरेशन के टाइम पे। ऐसा भी नहीं है कि कोई लोन लेके बैठा है और लोन नहीं चुका पा रहा तो ये हालत हो रही है। अभी 9th 10th के बच्चे हैं जिनकी अभी खेलने कूदने की उम्र है, उनको हमने इतना प्रेशराइज कर दिया है। वो बात अलग है कि आजकल हम मॉन्टेसरी या फिर जो किंडरगार्टन है वहीं से इतना प्रेशर देना शुरू कर देते हैं बच्चों को। तो वो कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट था इस आर्टिकल को लिखने के लिए। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं उसका लिंक मेंशन करूंगा, उसको पढ़िए और अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर कीजिए। जैसा कि हम कहते आए हैं कि बात होनी ज़रूरी है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको हम एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, और जब तक एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। तो जितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनका पहला यही कंसर्न होना चाहिए कि क्या मतलब वहीं जाकर ही ऐसी प्रिपरेशन हो सकती है, क्या हम वैसा एनवायरनमेंट घर में नहीं बना सकते या फिर अपने शहर में नहीं बना सकते, ज़रूरी है एक शहर में ही भेजना, टीचर्स की कमी हो गई है, क्या रीज़न है। तो वो एक सोचने की बात है, वरना वही है कि जो बच्चे हैं हम उनको इतनी कम उम्र में खोते रहेंगे, प्रेशर में बिखरते हुए देखते रहेंगे। और इसके अलावा एक जो मेरा मेन पॉइंट ये था कि जो टीचर्स हैं उनको हम भगवान ना बनाएं। हमारी एक आदत है कि हम हर किसी को, चाहे वो पेरेंट्स हों या बड़े हों, उनको हम भगवान बना देते हैं। और भगवान बनाने में कोई बुराई नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर हम जो उनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर कुछ भी गलती हो तो फिर हमें बहुत बुरा लगता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो टीचर्स से भी गलती हो सकती है छोटी मोटी, क्योंकि वो हैं तो वो ह्यूमन सी, बट उनको इतना स्क्रूटनी में भी नहीं रखना चाहिए कि उन्होंने कुछ बोला और बिल्कुल पब्लिकली उनको सजा दे दी जाए, उनकी जॉब छीन ली जाए, क्योंकि फिर वो प्रेशर में पढ़ा ही नहीं पाएंगे जो पढ़ाना चाहते हैं जेन्युइनली। और फिर दूसरी तरफ वैसे टीचर हैं जो खुद अभी
इवॉल्व नहीं हो पाए हैं, अपने दिमाग से नफरत नहीं निकाल पाए हैं या अपने बायस को हटा नहीं पाए हैं, और वो सीनियर सीनियर पोजीशन पे बैठे हुए हैं और क्या क्या स्टेप ले रहे हैं जो उन्हें नहीं लेना चाहिए, तो वो भी हो रहा है। तो उसके बारे में भी तभी बात हो सकेगी जब एटलीस्ट डिस्कशन होगा कि हाँ, सिर्फ 5 सितंबर को ये कह देना कि अच्छा आज टीचर्स डे है क्यों है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका बर्थडे है, उनकी वजह से था, वो काफ़ी नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसी बातें कही टीचर टीचिंग जो प्रोफेशन के बारे में, और वो कैसे हमारे देश को इम्पैक्ट करेगा उसके बारे में, उनके क्या थॉट्स थे, उनके क्या फेमस कोट्स थे, अगर उनको पढ़ा जाए तो फिर कोई फायदा है। अदरवाइज जस्ट बिकॉज एक फॉर्मेलिटी के लिए एक दिन मतलब सेलिब्रेट कर लेना, उसका कोई यूज़ नहीं है। खैर, तो मोटा मोटा वही था कि ये जो जो भी घटनाएं हो रही हैं हमारे आसपास, जो भी चीज़ें हो रही हैं, इन पे इनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं इन पे हमें हमारी नज़र होनी चाहिए और इस पे डिस्कशन भी करना चाहिए ताकि थोड़ी जागरूकता बनी रहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सब कुछ दिख रहा हो या फिर टाइम मिल रहा हो पढ़ने का या समझने का, और क्या वो न्यूज़ में दिखाया जाता है वो भी हमें पता है, किसी एंगल से दिखाया जाता है, बट एटलीस्ट अगर कोई पढ़ रहा है तो उसका ये बनता है कि हाँ वो शेयर करे लोगों से, ताकि जो आसपास या उनकी फैमिली में है उनको पता लगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है वहाँ पे, या शिक्षा में कैसा हो रहा है, या टीचर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ें जो जब हम देखेंगे तो जो हमारा एजुकेशनल लैंडस्केप है वो काफ़ी बदल चुका है, तो वो क्या अच्छे सेंस में बदला है या उसमें डिक्लाइन आया है ओवरऑल एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है, और क्या इम्प्रूवमेंट भी हुए हैं, जैसे कि हमने कुछ डिस्कशंस में पाया कि NEP है वो बहुत अच्छा है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो सारी डिस्कशंस चलती रहनी चाहिए जब हम ये टीचर्स डे मनाएं 5 सितंबर को। इसके अलावा, क्योंकि पोएट्री के बिना ये पॉडकास्ट मुझे अधूरा सा लगता है, तो कुछ पोएम्स देख रहा था, शायरी देख रहा था, जो शेर कुछ मैं पढ़ रहा था कि क्या इसके अराउंड है, तो उस्ताद जो हम उर्दू में टीचर को कहते हैं उस पर काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे मुझे शेर और नज्म पढ़ने को मिली, तो और कुछ एक आधी मैंने भी लिखी हुई है तो उनको यहाँ पे पढ़ते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो जो सबसे पहला शेर है वो ये है, कोई उस्ताद क्या सिखाएगा, कोई उस्ताद क्या सिखाएगा जो सबक सानेहे सिखाते हैं। सानेहे मतलब ट्रेजेडी, और ये जो शेर है ये लिखा है मुमताज राशिद जी ने। दूसरा शेर है, अजब स्कूल है ये जिंदगी का, अजब स्कूल है ये जिंदगी का जहां उस्ताद का भी इम्तिहान हो, अजब स्कूल है ये जिंदगी का जहां उस्ताद का भी इम्तिहान हो। और ये लिखा है सैयद सरोश आसिफ जी ने। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स का ही यहाँ पे एग्जामिनेशन चल रहा है, यहाँ पे जो उस्ताद हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी रोज़ किसी न किसी इम्तिहान या फिर एग्ज़ाम से प्रेशर से गुजर रहे हैं, तो उनका वो भी हमें याद रखना चाहिए। जो अगला जो शेर मुझे मिला इस टॉपिक पर वो कुछ यूँ है, हमने उस्ताद से यही सीखा, हमने उस्ताद से यही सीखा, कम लिखो और बेहिसाब पढ़ो। हमने उस्ताद से यही सीखा, कम लिखो और बेहिसाब पढ़ो। ये मोहसिन साहिल जी ने लिखा है, और ये कमाल का शेर है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी है जो कि खासकर पढ़ने पढ़ने लिखने का शौक़ रखते हैं, पढ़ाई से इतर होकर जो लिखने का शौक़ रखते हैं। तो वही है कि लिखिए कम पढ़िए ज़्यादा, ये शायद हम काफ़ी बार बोल चुके हैं अपने पॉडकास्ट में और बाकी जगहों पर भी, तो ये मुझे अच्छा लगा। और जो अगली एक नज़्म है जो कि लिखी है कैफ अहमद सिद्दीकी जी ने, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और कोशिश करता हूँ उसे पढ़ने की, और अगर कहीं कोई जो शब्द है उन्हें पढ़ने में गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा।
क्योंकि मेरा जो तलफ़ुस है वो बहुत अच्छा नहीं है उर्दू का, बट कोशिश करने में किया जाता है। जो नज़्म है कुछ यूं है, उस्ताद के ऊपर, कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे उस्ताद, कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे उस्ताद, हमको हर इल्म सिखाते हैं हमारे उस्ताद, कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे उस्ताद, हमको हर इल्म सिखाते हैं हमारे उस्ताद, तोड़ देते हैं जहालत के अंधेरों का तिलिस्म, तोड़ देते हैं जहालत के अंधेरों का तिलिस्म, इल्म की शम जलाते हैं हमारे उस्ताद। तो कमाल की लाइन्स हैं कि जो इग्नोरेंस है उसको खत्म कर देते हैं, और जो विजडम है या जो पढ़ाई है, इल्म की शम्मा हमारे अंदर जलाते हैं हमारे उस्ताद। अगली लाइन है, मंजिले इल्म के हम लोग मुसाफिर हैं मगर, मंजिले इल्म के हम लोग मुसाफिर हैं मगर, रास्ता हमको दिखाते हैं हमारे उस्ताद। जिंदगी नाम है कांटों के सफर का लेकिन, जिंदगी नाम है कांटों के सफर का लेकिन, राह में फूल बिछाते हैं हमारे उस्ताद। दिल में हर लम्हा तरक्की की दुआ करते हैं, दिल में हर लम्हा तरक्की की दुआ करते हैं, हमको आगे ही बढ़ाते हैं हमारे उस्ताद। सबको तहजीब ओ तमद्दुन का सबक देते हैं, सबको तहजीब ओ तमद्दुन का सबक देते हैं, हमको इंसान बनाते हैं हमारे उस्ताद। तो तहजीब ओ तमद्दुन मतलब कल्चर एंड ट्रेडिशंस, संस्कृति, हमारी जो सभ्यता होती है। एक बार फिर से, सबको तहजीब ओ तमद्दुन का सबक देते हैं, हमको इंसान बनाते हैं हमारे उस्ताद। हमको देते हैं बहर लम्हा पयामे तालीम, अच्छी बातें ही बताते हैं हमारे उस्ताद। खुद तो रहते हैं बहुत तंग व परेशान मगर, खुद तो रहते हैं बहुत तंग व परेशान मगर, दौलते इल्म लुटाते हैं हमारे उस्ताद। तो इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, वो हमारे ऊपर हमारे टीचर्स लुटाते हैं। हम पे लाजिम है कि हम लोग करें उनका अदब, हम पे लाजिम है कि हम लोग करें उनका अदब, किस मोहब्बत से बढ़ाते हैं हमारे उस्ताद। तो ये लाइनें लिखी हैं कैफ अहमद सिद्दीकी साहब ने, और बहुत ही लाजवाब नज्म है उस्ताद पर, टीचर्स पर। ये हमारा, ये जैसा कि लाइन लास्ट में इन्होंने लिखा है, हम पे लाजिम है कि हम लोग करें उनका अदब, किस मोहब्बत से बढ़ाते हैं हमारे उस्ताद। तो जिस मोहब्बत से हमें पढ़ाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं उस्ताद, तो उस तो ये ज़रूरी है कि हम उनका अदब करें, पर साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि उन्हें भगवान ना मानकर दिल से उनकी रिस्पेक्ट करें, मगर उनको भगवान बनाकर ये ना सोचें कि हाँ उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, उनको इंसान ही रहने दें, एक गुरु के तौर पर लें, और उनकी अगर कुछ गलतियां होती भी हैं तो उन्हें भी मौका मिले सुधार करने का, सुधरने का, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और लास्ट में दो लाइनें मैंने भी लिखी हैं जो कुछ टाइम पहले लिखी थी, वो कुछ यूं हैं, शागिर्द जब उस्ताद से अच्छा शेर कहने लगे, शागिर्द जब उस्ताद से अच्छा शेर कहने लगे, उस्ताद की खुशी का फिर ठिकाना नहीं रहता। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि जब उसका जो स्टूडेंट है वो बहुत तरक्की करे और उनसे भी आगे, उनसे भी ज़्यादा आगे बढ़े, नाम कमाए, उनका भी नाम रोशन करे। तो एक जो सेल्फलेस प्रोफेशन है टीचिंग, तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसका सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। और 5 सितंबर को हम याद करते हैं, अच्छी बात है, पर जब भी मौका मिले तब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए टीचर्स को, इस प्रोफेशन को। जो भी आसपास हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, क्या क्या चुनौतियां हैं इस टीचिंग प्रोफेशन की, उस पर भी ध्यान दीजिए। और सबसे पहली जो हम बात कर सकते हैं वो यही है कि जो भी इस तरह की बातें हो रही हैं आसपास, उस उन घटनाओं पर अपना ध्यान दें और उस पर बातचीत करें, गुफ्तगू करें, उससे हम उससे निकालें कुछ तरीका बढ़िया करने का, और साथ दें टीचर्स का। ऐसा भी होता रहता है कि बहुत से टीचर्स हैं जो टाइम टाइम पे उनको दिक्कतें हैं, तो वो आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ कहीं पे सुनाई नहीं देती है, जैसा कि हर फील्ड में होता रहता है। तो अगर ऐसा कहीं आपको दिखे तो उनकी आवाज़ बनिए, आप साथ उनका दीजिए, ताकि
ताकि वो भी जो हमारी जनरेशन के है आने वाली, उसको और अच्छी एजुकेशन दे पाए। तो ये कुछ थॉट्स थे जो मैं शेयर करना चाहता था, और उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें इनमें से ठीक लगी हों। सारी चीज़ें ठीक नहीं भी लगी होंगी वो ठीक है, वो जायज़ बात है, पर अगर कुछ भी ठीक लगा हो या कुछ ठीक ना भी लगा हो तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, बताइए, और इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। और इसके अलावा कोई अगर आपका सजेशन हो किसी टॉपिक के बारे में, या फिर पॉडकास्ट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, वो भी आप बताइए, ताकि हम और इसको बेहतर बना सकें। और एक और अच्छी खबर कि हमने पिछले हफ्ते 200 सब्सक्राइबर पूरे किए यूट्यूब पर। थोड़ा स्लो था, जो सेकंड सेंचुरी थी हमारी। फर्स्ट सेंचुरी तो वही होता है कि हम कुछ नया शुरू करते हैं तो ताबड़तोड़ जो हमें जानने वाले हैं वो जुड़ जाते हैं, बट जो सेकंड सेंचुरी थी वो थोड़ी स्लाइटली स्लो थी, बट फिर भी बहुत बहुत बढ़िया रहा। और अब हम एक 200 से ज़्यादा लोग हैं जो एटलीस्ट यूट्यूब पे उससे जुड़े हुए हैं, और मुझे मालूम है कि उससे ज़्यादा ही लोग हैं जो सुनते भी हैं और लगातार अच्छे कमेंट्स या फिर इम्प्रूवमेंट के सजेशन भी देते रहते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि सबने सब्सक्राइब ही किया हो, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ सब्सक्राइब करना चाहिए तो कीजिए, और लोगों को भी शेयर कीजिए और बोलिए कि करें सब्सक्राइब, ताकि जैसे जैसे और नंबर बढ़ेंगे तो ये जो रीच है ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो एक बार फिर से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में। आप सुन रहे थे द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद गौरव सिन्हा।